न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली। अब दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से, अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी, अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। वहीं दिल्ली के छतरपुर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड सेंटर की शुरुआत हो गई है, और इसकी शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंटर में इंतजाम देखने पहुंचे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे। सीएम ने सभी सुविधाओं की पड़ताल की और सेंटर में किसी तरह की परेशानी न हो इसका ध्यान रखने के निर्देश दिए। 500 बेड के इस अस्पताल में ऑक्सीजन समेत इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें और मरीजों को परेशानी न हो इसके लिए सुविधाएं भी रखी गई हैं। साथ ही मरीजों को तनाव से मुक्त करने के लिए उनकी काउंसलिंग की सुविधा भी वहां पर मौजूद है। राधा स्वामी सत्संग व्यास और भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली को एक और बड़ी सेंटर मिला है, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर छतरपुर, जो यहां पर आज से शुरू किया गया है। यहां पर 500 बेड का कोविड केयर सेंटर अभी फिलहाल शुरू किया गया है। 200 बेड आईसीयू के भी लगाए जाएंगे। हालांकि यहां पर सीधे आने पर दाखिला नहीं मिल रहा है। लोगों को यहां पर आकर पहले लोगों का कहा गया है कि पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो उनके डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस अधिकारी होंगे वो उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद वो यहाँ पर आ करके एडमिशन ले पाएंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और जिनको भेजा जाएगा वही लोग यहाँ पर आ करके पहुँचेंगे। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो सीधा वॉक इन करके आ रहे हैं, लेकिन वॉक इन में किसी को सीधा दाखिला नहीं मिल रहा है। इसलिए लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों के लिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये कोविड केयर सेंटर है और इसमें कहा गया है कि सीधे आने पर दाखिला नहीं मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट के सर्विलेंस अधिकारी हैं उन्हीं से आपको पहले लिखवाना पड़ेगा, वो यहाँ पर रेफर करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पर लोगों को दाखिला मिलेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अभी मैं राधा स्वामी सत्संग व्यास के वहाँ पे जो एक सेंटर बनाया गया है उसका मुआयना करके आ रहा हूँ। आज सुबह सुबह 10 बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं। आज 150 बेड्स हैं, अगले एक दो दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे, उसके दो चार दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। कोरोना के हालात बिगड़ने के साथ ही रिलायंस फाउंडेशन भी लगातार मरीजों की मदद में जुटा हुआ है। इस मुश्किल दौर में रिलायंस फाउंडेशन महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के साथ मिलकर कोरोना मरीजों की लगातार मदद कर रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के लिए मुंबई में 875 बेड का इंतजाम किया है। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 650 बेड वाला कोविड अस्पताल चला रहा है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 नए आईसीयू बेड भी बनाए हैं। साथ ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद टाइटन होटल में भी 100 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े सेवन हिल्स हॉस्पिटल में भी कोरोना के मरीजों के लिए 125 बेड है, जिनमें 45 आईसीयू बेड है। रिलायंस फाउंडेशन के मुताबिक इन सभी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है।
तो हर संस्था जो है वो आगे आ रही है ऐसे मुश्किल वक्त में, छोटा छोटा सहयोग भी लोगों का बड़ा फायदा लोगों को पहुंचा रही है। और इस वक्त बड़ी खबर, कोरोना काल में